मेरे चैनल में सबका स्वागत है। मेरा जो टमाटर भरवा करी को आप लोग समझने के लिए प्लीज़ आप लोग मेरा जो प्रॉन्स करी का जो रेसिपी बनाया है मैंने उसको एक बार प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखना तो ही आप लोग समझ जाओगे प्लीज़। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कल्पिता 2629। चैनल में सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ ग्रीन टमाटर जो है ग्रीन टमाटर और प्रॉन्स का भरवा बना के दिखाऊँगी। तो आइए देखते हैं आज के मेरे ग्रीन टमाटो करी। यहाँ मैंने लिया है 4 टमाटर, ग्रीन टमाटर, टमाटर का जो सीड्स है जिसको मैंने बाहर निकाल लिया है इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई बिठा दिया है और यही है मेरा पार्ट 1 का वीडियो। इसमें मेरा प्रॉन्स करी मैंने इसमें बनाया है इसी में। उसके बाद अभी टमाटर जो भरवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है सरसों का पाउडर, नमक, हल्दी और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब इन तीनों को अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसका एक पानी, हल्का सा पानी लेकर मैं इसका एक गोल बना लूँगी। इसी कढ़ाई में मेरा प्रॉन्स करी रेडी हो गया है। पार्ट 1 का वीडियो, सेकंड पार्ट का यही यहाँ से शुरू होता है। ये मेरा तेल गर्म हो चुका है, फिर मैंने इसमें ऐड किया है कलौंची। कलौंची थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है ऑनियन बारीक कटा हुआ, मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद थोड़ा सा इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 ग्रीन चिली इस तरह से। फिर इसको मैं अच्छे से थोड़ी देर भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें जो मैंने गोल बनाई है पहले तीनों को मिला के, उसी गोल को मैं कुछ ही देर बाद उस पानी को मैं इसमें छोड़ दूँगी। सरसों का जो मैंने गोल बनाया है सरसों का पाउडर से, वही है आज का। ये देखिए, यही पानी का गोल को मैं यहाँ पे ऐड किया मैंने अभी। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिलाती जाऊंगी और ढक्कन लगा के 3-4 मिनट तक इसको धीमी आंच में मैं अच्छे से फ्राई होने के लिए, जब तक अच्छे से ना मसाला पक जाए तब तक मैं इसको फ्राई करूंगी। और यहाँ मैंने पार्ट 1 का जो वीडियो बोला था आप लोगों को, इसी में पार्ट 1 का जो मैंने प्रॉन्स करी बनाया था उसी का मैं भरवा बनाऊंगी। इसके अंदर स्टफिंग भर दूंगी। ये देखिए, एक एक करके मैं सबको टमाटर के अंदर मैं प्रॉन्स करी जो मैंने बनाया मसाला प्रॉन्स करी उसको मैं अच्छे से इसके अंदर भर दूंगी। ये देखिए, मैंने चारों टमाटर में अच्छे से मैंने स्टफिंग को भर ली है। फिर इसमें जो स्टिक है स्टिक को मैं लगा के देख रही हूँ, लेकिन इसमें दिक्कत होगा कि स्टिक बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है। और इधर मैंने मसालों को मैं चेक कर रही हूँ, मेरा मसाले जो है अच्छे से पक गया है। मसाले को और थोड़ी देर फ्राई होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। इसके बाद ये टमाटर का जो है इसका मैं धागे के साथ मैं इस तरह से इसको बांध लूँगी, क्योंकि इसको कवर करने के लिए मैंने जो स्टिक लिया है स्टिक से बहुत लंबा हो रहा है तो बहुत दिक्कत आएगा उसको बनाने में, तो इसलिए मैंने इस धागे से मैंने इसको कवर कर लिया है। इधर मैं अभी मसाला को चेक करूँगी। ये देखिए, मेरा तेल बहुत अच्छे से बाहर आ गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से एक बार मिलाऊँगी। मिलाने के बाद जब मेरा एक उबल आएगा तो मैं इसमें मेरा जो टमाटर है, टमाटर को, ये देखिए मेरा एक उबल आया है। उबल आने के बाद मैं अभी टमाटर को इसमें एक एक करके देती जाऊंगी इसके अंदर। उसके बाद मैं इसका ढक्कन लगा के 6-7 मिनट के लिए मैं इसको रख दूंगी कवर करके। अब मैं इसको कवर को खोल के देखूंगी मेरा टमाटर कहाँ तक पक गया है। ये देखिए, मेरा टमाटर हल्का सा पक गया है, तो मैं इसको अच्छे से धीरे धीरे मैं इसको पलटती जाऊंगी ताकि चारों तरफ से जो है टमाटर अच्छे से पक जाए, क्योंकि ये ग्रीन टमाटर है। ग्रीन टमाटर पकने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। रेड टमाटर तो पका हुआ टमाटर बहुत जल्दी नरम हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस। मैं इसको कवर करके फिर और कुछ मिनट तक मैं छोड़ दूंगी। ये देखिए, फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक दूंगी अभी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लग रहा है इसके स्किन के अंदर भी नमक अंदर चला जाता है ना, तो खाने में बहुत ही टेस्ट होता है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए और कवर करके छोड़ दूंगी। ये देखिए, मेरा जो है टमाटर अच्छे से
धीरे धीरे पक रहा है। अब मैं इसको बीच बीच में इस तरह से पलटती जाऊंगी थोड़ा बहुत इधर उधर, ताकि मसाला अच्छे से अंदर, मतलब कि मसाले के साथ ये अंदर से अच्छे से पक जाए। इसको और थोड़ी देर तक भुनने के बाद मैंने इसको देखा है, ये देखिए बॉईल मेरा जो है पानी लगभग सूख गया है और मसाला अच्छे से पक गया है, ये देखिए। और ग्रेवी बहुत घना हो रहा है धीरे धीरे। अब मैं कवर करके फिर इसको चेक कर रही हूँ कि हाँ, ये देखिए बहुत अच्छे से हो गया है और तेल बाहर आ गया है। मेरा मसाला एकदम अच्छे से बन के रेडी हो गया है और टमाटर भी पक गए हैं मेरे। मैं इसके ऊपर ग्रेवी को छोड़ रही हूँ। ग्रेवी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है मेरे ग्रेवी। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी। बंद करने के बाद मैं इसको प्लेट में सर्व करूँगी। ये देखिए मेरा टमाटर कितना अच्छा आया है, कलर कितना अच्छा है। उसके ऊपर मैं ग्रेवी को छोड़ दूँगी, ये देखिए। और ये सरसों का है ना, सरसों का और कलौंची के साथ है ना, तो हम लोग जो इलिशा फिश खाते हैं ना, इलिशा फिश में भी हम लोग सरसों का पेस्ट मतलब देख के खाते हैं, तो उसी का फ्लेवर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इलिशा फिश मैंने बनाई है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है। गाइस आप लोग ज़रूर ट्राई करना, सरसों का पेस्ट के साथ ग्रीन टमाटर भरवा बहुत ही अच्छा लगता है और यूनिक करी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करना कैसा हुआ है। आप लोग ज़रूर कमेंट करना, मुझे खुशी होगी आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो। और अभी मैं इसको और सुंदर बनाने की है, रेड ग्रीन येलो कलर चिली के साथ मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। गाइस ये देखिए मेरा हो गया है बिल्कुल एकदम रेडी तम ग्रीन टमाटर भरवा करी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल के घंटे को प्रेस कर देना।